अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकायै ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद सिंहा लक्ष्मी देवता श्री जगदंब्या प्रीत्यार्थ्यां सप्तशती पाठंग जपे विनियोग। ओम मार्कण्डेय उवाच ओं जयत्यं देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव समाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मधु कैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि महिषासुर निर्नाशी भक्तनं सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि धूम्र नेत्र बधे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि महेश निशुंभ शुंभु निर्नाशी त्रैलोक्य सुबदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि बंधिताग्नियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि अचिंत रूप चरुते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि नतेभ्यो सर्वदा भक्ता चापणे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि सुभद्भक्तिपूर्वं तां चंडिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि चंडिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परम सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुरासुर शिररत्न निर्घिष्ट चरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्प निषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि प्रचंड दैत्यदर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चतुर्भुज चतुर्वक्ते संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इंद्राणिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्त जनद्याम दत्यानंद दयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि वार्यं मनोरम्यं देहि मनोवित्वानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि तारिणी दुर्ग संसार सागरश्च चलद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इदं स्तोत्रं पठित्या तु महास्तोत्र पठिन्नरा सप्तशती समाराध्या बरमा आपनोति दुर्लभम। श्री अर्गला स्तोत्र संपूर्णम यदक्षर परिभ्यश्च मात्रहीनं च भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादन महेश्वरी। ओम शरणागत दीनार्ति परित्राण परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम गुप्त दुर्गे महाभागे गुप्त पापनाशिनी सप्त जन्माजितात् पापात् त्राहि मां शरणागतम्। मित्रों, ये अर्गला स्तोत्र कुल इसमें श्लोक है 27 श्लोक है। ये अर्गला स्तोत्र को हर कोई पाठ कर सकता है, इसमें कोई असुविधा नहीं। विशेष रूप से नवरात्रि तिथि में ये अर्गला स्तोत्र पाठ करने से ज़्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन ये अर्गला स्तोत्र और देवी कवच, ये दो चीज़ पाठ करने से उत्तम फल लाभ होता है। जैसे कि आप लोग ये स्तोत्रों में सुने हैं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि। माँ से प्रार्थना किया जा रहा है, हे माँ मुझे रूप दो, धन दो, जस दो, शत्रु को विनाश करो। तो इसका मतलब इस स्तोत्र को पाठ करने से साधक का चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का फल होता है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का फल लाभ साधक को हो जाता है। तो ये बहुत ही उत्तम एवं चमत्कारी स्तोत्र है। आप भी स्तोत्र को अपने जीवन में व्यवहार करके एक बार देखिए। स्तोत्र को अनुष्ठान करने के लिए कम से कम स्तोत्र को 108 बार पाठ करना जरूरी है। इसके बाद आप दिन में एक बार या दो बार भी पाठ करने से चलेगा, लेकिन पहले स्तोत्र को 108 बार पाठ कर स्तोत्र को जागृत करना पड़ता है। उसके बाद स्तोत्र को दिन में एक बार या दो बार पाठ करने से भी चलेगा। स्तोत्रों पाठ करने के बाद माँ से जो भी मनोवासना इच्छा प्रार्थना करेंगे, मेरा देखा हुआ है वो इच्छा मनोवासना सब पूर्ण होता है। आशा करता हूँ इस स्तोत्र पाठ से आप लोगों का हर सकल मनोवासना पूर्ण होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ।